हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिरसा को एक तवायफ से ज्यादा और कुछ नहीं समझते सियासत के मौसमी व्यापारी। हर 5 साल बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, मौसमी सियासी व्यापारी सिरसा में फिर सक्रिय हो जाते हैं। अब विधानसभा चुनाव महज 1 महीने दूर है और 5 साल तक काले धन के व्यापार में लिप्त रहने वाले व्यापारी सिरसा में सक्रिय हो चुके हैं। सिरसा के विकास की चिंता एक बार फिर उन्हें सताने लगी है और वो घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। 5 साल तक गोवा में जुआ के व्यापार में लिप्त रहे गोपाल कांडा, जो कि गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में चार्जशीटेड है, एक बार फिर सिरसा के विकास की चिंता में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ एक विख्यात शराब कारोबारी जो 2014 में विधानसभा चुनाव काले धन के दम पर जीते थे, जिन नेताओं ने पूरे 5 साल सिरसा में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, ना ही विधानसभा में एक बार भी सिरसा का मुद्दा उठाया, एक बार फिर दल बदल कर बहती गंगा में हाथ धोने को आतुर हैं। बीजेपी का एक सकारात्मक माहौल है, इसी माहौल को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी और अपने बिजनेस पार्टनर को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। एक बार फिर काला धन सिरसा की सड़कों पर बह रहा है। जो लोग सोचते हैं कि समय आने पर विकास कार्यों की जगह सिर्फ पैसे बांटकर और फ्लैग्स लगवाकर चुनाव जीता जा सकता है, उनको करारा तमाचा मारने का वक्त आ गया है। हे महान सिरसा वासियों, तुम्हारे शहर को जो तवायफ समझते हैं, उनकी सोच पर गहरी चोट करो। वो सोचते हैं कि 5 साल काम करने की जरूरत क्या है, 2-2 हजार की गुलाबी नोट बांट लूंगा, टिकट कहीं से भी मैनेज करके लाऊंगा और चुनाव जीत ही जाऊंगा। क्या सिरसा के लोग इतने बेवकूफ और बिकाऊ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिरसा को भी विकास की जरूरत है। सिरसा को एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो 5 साल में आखिरी महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 साल सिरसा वासियों के बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़े, उनके विकास के लिए संघर्ष करे। कुख्यात शराब व्यापारी मक्खन सिंगला ने बीजेपी ज्वाइन करते ही काले धन की बदौलत सट्टा बाजार में ये शिगुफा छोड़ा है कि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को वो खरीद चुका है, सबको मैनेज कर चुका है और टिकट भी वही ले आएगा। तो क्या बीजेपी की टिकट वास्तव में बिकाऊ है? ये एक ऐसी पार्टी है जो अपनी शुचिता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए, ईमानदारी और संकल्प से सिद्धि के लिए मानी जाती है, जानी जाती है। उस पार्टी को ऐसे लोग क्या बदनाम नहीं कर रहे? ऐसी गंदी मछलियां बीजेपी में आकर क्या बीजेपी के चरित्र को खराब नहीं करेंगी? साथियों, ये गहराई से सोचने का वक्त है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारो जो काले धन की ताकत से चुनाव जीतना चाहते हैं और जो ये कहते हैं कि अब 2000 के नोट पर वोट मिलते हैं। क्या आपको पता है पूरे 5 साल में हर दिन आपकी कीमत कितनी बैठती है? सिर्फ 36 पैसे हर दिन। कभी आपने सोचा है कि हर दिन 36 पैसे के लिए अपने आप को गिरवी रखना है या उसके साथ जुड़ना है जो हर वक्त हर पल पूरे 5 साल पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं? इस बात सोचिएगा जरूर। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।